ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रेन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला तो कंसेप्ट ये है कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ता है, मतलब उनके दोनों के चाल को जोड़ दिया जाता है। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी उनके चाल को घटाया जाता है, मतलब घटाने का मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाया जाएगा। जब एक ट्रेन एक खंभे या व्यक्ति को पार करती है तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, लेकिन लास्ट कि जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग इत्यादि जो भी दिया जाए उसको पार करेगी तो दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। तो हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। जैसे पहला सवाल दिया गया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबी ट्रेन खंभे को कितने देर में पार करेगी। तो हम लोगों ने पिछले क्लास के लिए पिछले वीडियो में देखा था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना होता है, यानी 30 × 5/18 × टाइम, और ट्रेन की लंबाई 100 है, 5 और 0 50 से कटेगा, 2 3 से कटेगा, 6 टाइम आ जाएगा हमें 12 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 171 मीटर लंबी ट्रेन 229 मीटर पुल को कितने देर में पार करेगी। तो 45 × 5/18 टाइम नहीं मालूम है, तो पुल और ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे तो 229। आप लोग थोड़ा सा स्पीड बेहतर करिए तो इसको सीधा सीधा जोड़ के लिखिए, हमें अभी समझाना है इसलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग सीधे सीधे जोड़ के लिखिए। 9 से भाग देंगे तो 2 और ये 5, 5 × 5 25 से भाग देंगे तो 16 टी आ जाएगा हमें 32 सेकेंड। अगला सवाल दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 मीटर लंबी ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगी, मतलब 60 × 5/18 टाइम नहीं मालूम है और दोनों की लंबाई जोड़ देंगे 150 और 600 तो 750 आएगा। यही मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था, 1 0 और 5 से भाग देंगे मतलब 50 से, तो ये 15 आएगा, 6 से भाग लगेगा 3 यानी टी आ जाएगा हमें 45 सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 125 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकंड में पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई क्या है। तो 60 × 5/18 30 सेकंड में 125 मीटर प्लस पुल की लंबाई, तो ये 60 × 30 करेंगे तो 1800, 18 से कटेगा 100 बार में, आपको जैसे काटना है काट, 100 × 5 500, 125 घट जाएगा यानी पुल की लंबाई जो आ जाएगी वो 375 मीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 से कोई एक ट्रेन समान गति से एक व्यक्ति को, मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है और ट्रेन की लंबाई क्या है। इसके लिए हम लोगों के ज़्यादा बेहतर ये होगा, 8 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है मतलब अपने अलावा 0, 20 सेकंड में 264 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब कि 12 सेकंड एक्स्ट्रा में 264 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि 22 मीटर, 8 सेकंड में 176 मीटर ये आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की लंबाई तय होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो 12 सेकंड में 96 मीटर पुल पार करती है और 15 सेकंड में 141 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है और लंबाई क्या है दोनों के लिए, मतलब हम लोग घटा सकते हैं 3 सेकंड में 45 मीटर यानी कि 15 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, तो 15 मीटर पर सेकंड का मतलब 15 × 18/5 यानी 54 किलोमीटर पर आवर, ये तो ट्रेन की चाल मिल जाएगी। लंबाई निकालना है तो 3 सेकंड में 45 है यानी कि 12 सेकंड में 180 आ जाएगा, 180 में ट्रेन अपनी लंबाई और पुल की लंबाई यानी कि अपनी लंबाई जो आ जाएगी वो 84 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। एक सवाल और देख लें, 17 सेकंड में 122 मीटर और 25 सेकंड में 210 मीटर, एक प्लेटफॉर्म पुल या दोनों पुल हो तो भी कोई बात नहीं है, मतलब 8 सेकंड में 88 मीटर,
तो हम लोग कह सकते हैं 11 मीटर पर सेकंड ये हमें चाल मिलेगा। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 3.6 से या 18/5 से गुणा कर सकते हैं। 8 सेकंड में 88 मीटर मतलब 1 सेकंड में 11 मीटर, तो 17 सेकंड में 187 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 65 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहले मैं 9 नंबर कराना चाह रहा हूँ उसके बाद 8 कराऊंगा। 300 मीटर लंबी ट्रेन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार करती है, तो उसी दिशा का मतलब है कि या पीछे से आ रही, मतलब सेम डायरेक्शन की बात है, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी घटता है, यानी कि ट्रेन की चाल हमें नहीं मालूम है, तो वी माइनस 3 5/18 33 सेकंड में 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ये 60 आ जाएगा, ये 20 और ये 11, मतलब भी माइनस 3 आएगा 360/11 32.8/11। अब भाग देके देख लीजिएगा, भी आ जाएगा 35.8/11 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति 2 और 4 की चाल से जा रहे हैं, पीछे से आ रही एक ट्रेन 9 और 10 सेकंड में पार करती है दोनों व्यक्ति को, मतलब पहले को 9 सेकंड में दूसरे को 10 सेकंड में, तो पीछे से आ रही है मतलब रिलेटिव वेलोसिटी घटेगा, और जब सामने से आ रही है मतलब विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ेगा। ये हमें लैंग्वेज ध्यान रखना है। तो ये क्या मिलेगा, ट्रेन की चाल भी है -2 × 5/18 9 सेकंड में, और भी -4 × 5/18 10 सेकंड में, तो ये दोनों काटेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा भी का मान आएगा 22 किलोमीटर पर आवर। 22 किलोमीटर पर आवर इसका मतलब क्या हो जाएगा, LHS में वैल्यू रख दें या RHS में वैल्यू रख दें, तो 20 × 5/18 × 9 आप RHS में रख के देख सकते हैं, वही आंसर आएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 50 मीटर और चाल आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो ट्रेनें एक ही समय, एक पटना से हावड़ा के लिए चलती है और एक हावड़ा से पटना के लिए चलती है, मतलब स्टेशन दोनों दिया जाए, वो ये ए से चलती है ये बी तक पहुंचती है या पटना हावड़ा जो भी दिया जाए, उसे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रही हैं और दोनों चलती हैं तो कहीं ना कहीं मिलेंगी, मिलने के बाद ये 9 घंटे में पहुंचती है और ये 16 घंटे में मिलने के बाद, तो इनके चाल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ चाल का अनुपात मतलब V1/V2 होता है T2/T1, इसका मतलब हो जाएगा कि 16 और 9 का मतलब 4/3 वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है लेकिन कुछ और चेंज किया है, कि ए से कोई ट्रेन चलती है बी तक जाना है और दूसरी ट्रेन जो है वो बी से ए के लिए जाती है, 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट के बाद मिलती हैं, पहली ट्रेन की चाल 45 है तो दूसरे की चाल क्या होगी। तो पहले की चाल मतलब V1 और V2 बराबर 3 घंटा 20 मिनट पहले लिखेंगे क्योंकि ये बाद में था, और 4 घंटा 48 मिनट हम लोग बाद में लिखेंगे क्योंकि टाइम उल्टा हो जाएगा। अब दोनों को मिनट में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 3 घंटा 20 मिनट मतलब 200 मिनट और 4 घंटा 48 मिनट यानी 240 और 48 288, तो 200 और 288 मिनट मिनट तो कट जाएगा क्योंकि रेशियो में हमें यूनिट की जरूरत नहीं है, 100 और 144 को लिख सकते हैं 10, 12 यानी 5, 6। 5 के लिए पहले की चाल 45 दिया गया है, या 45/V2 कर लेते 5/6, तो 1 के लिए 9 आएगा, 6 के लिए आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 165 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में 8 की चाल से व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो यहाँ व्यक्ति चल रहा है, तो व्यक्ति चल रहा है मतलब 58+8 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ेगा, × 5/18 टाइम नहीं मालूम है और ट्रेन की लंबाई 165 है, तो ये 5 से कटेगा 33, 58 और 8 66, 33 से कटेगा 2 बार में यानी कि 9T आ जाएगा हमें 9 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 126 मीटर और 114 मीटर की दो ट्रेनें 30 और 42 की चाल से किलोमीटर पर आवर की चाल से
विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगी, तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि 30 प्लस 42 अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ेगा, 5/18 टाइम हमें नहीं मालूम है, 126 और 114, और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बेहतर हो तो आप दोनों को सीधे सीधे जोड़िए, मतलब 72/18 से कटेगा 4, ये 240 आएगा, 5/24 कटेगा 12 बार में, यानी टी आ जाएगा हमें 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यही बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, 35 और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 127 और 98 मीटर लंबी है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। इसका मतलब यह आ जाएगा कि 55 और 35 जोड़ देंगे गुणे 5/18, टाइम नहीं मालूम है और लंबाई 127 और 98 है, मतलब ये 90, 18 से कटेगा 5, ये 225, 25 से कटेगा, यानी कि 9 टी आ जाएगा हमें 9 सेकंड। अगला सवाल दिया गया है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन 2 मिनट में दूसरी ट्रेन को पार करती है और दोनों ट्रेनों की लंबाई 100 और 200 मीटर है, तो 120 वाली ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है, यानी 120 वाली ट्रेन जो है वो लंबी है, 120 वाली ट्रेन की चाल ज़्यादा है, 120 माइनस भी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, 5/18, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तो 100 और 200 जोड़ देंगे तो 300, 5 से कटेगा 60, ये 2 बार में ये 9, यानी 120 में से क्या घटा दें कि हमें 9 आ जाएगा, यानी भी आ जाएगा 111 किलोमीटर पर आवर। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे कि 20 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही दो रेलगाड़ियां धीमे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को तेज रेलगाड़ी 45 सेकंड में पार करती है, तो तेज ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो इस तरह के सवाल में जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, कई बार ड्राइवर की के लिए दिया जाता है, तो व्यक्ति दिया जाए, ड्राइवर दिया जाए या कहीं पे भी कोई व्यक्ति हो, तो वो अपने ट्रेन की लंबाई नहीं बता सकता है, वो दूसरे वाले ही ट्रेन की लंबाई बता सकता है। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सेम डायरेक्शन है, यानी कि 40 - 20, 5/18, 45 सेकंड में पार करती है, यानी कि 9 से कटेगा 2 बार में, और ये 5 2 से कटेगा 10, 250 मीटर जो आ जाएगी वो तेज ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। बाकी और कुछ क्वेश्चंस देखें तो पहले एक क्वेश्चन हम लोग और देख लें कि दो ट्रेनें एक 4 बजे मेरठ से चलती है और 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, 5 PM पे, 4 PM पर चलती है और 5 PM गाजियाबाद पहुंचती है, दूसरी ट्रेन 4 PM चलती है और 5:30 PM पहुंचती है, स्टेशन का नाम कुछ भी हो लेकिन ये कंडीशन है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, पहला सवाल ये है। इस पर एक सवाल और हम लोग करेंगे, तो यहाँ दूरी भी हमें नहीं मालूम है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, टाइम क्या लग रहा है, पहले को 1 घंटा और दूसरे को 1.5 घंटा, मतलब 3/2 घंटा, तो टाइम का रेशियो 2:3, यानी कि चाल का रेशियो आएगा 3x, और मतलब चाल का रेशियो 3:2 आएगा, तो 3x और 2x हमने मान लिया, तो हम लोग कह सकते हैं 3x चाल से 1 घंटा, मतलब टोटल दूरी को हम लोग 3x मान लें, दोनों ट्रेनें एक ही समय स्टार्ट ले रही हैं, मतलब 3x बराबर 3x प्लस 2x रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ेगा, टाइम नहीं मालूम है तो टाइम जो आ जाएगा वो 3/5 घंटा आ जाएगा, 3/5 घंटे का मतलब होगा 36 मिनट, यानी 4:36 PM पर दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। एक सवाल और हम लोग देखेंगे, दो ट्रेनें एक आगरा से सुबह 6 AM चलती है और 10 AM में दिल्ली पहुंचती है, दूसरी ट्रेन 8 AM में दिल्ली से चलती है और 11:30 AM में पहुंचती है आगरा, बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी। तो इस सवाल में पहला तरीका, जब दूरी दिया जाए तो इसको हम और भी एक तरीके से बताएंगे, जब दूरी न दिया जाए, मतलब दिया जाए तो भी हम डाटा छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है,
तो इस ये 4 घंटे का टाइम ले रहा है, ये 3.5 घंटा, तो 4 घंटा में 200 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर, और इसको 400 बटा में 7 किलोमीटर पर आवर हम लोग कह सकते हैं, दूरी बटा में समय से भाग देंगे तो चाल मिल जाएगा। पहली वाली ट्रेन 2 घंटा पहले चल चुकी है, 2 घंटा पहले चल चुकी है, ये 50 की स्पीड से यानी 100 किलोमीटर चल चुकी है, तो 100 किलोमीटर चल चुकी है तो 100 किलोमीटर की दूरी बाकी है। 50 प्लस 400 बटा में 7 इंटू टी, तो टी आ जाएगा 100 × 7 बटा में 750, ये देख लीजिएगा आप लोग, 14 बटा में 15 घंटा, मतलब 56 मिनट। 56 मिनट का मतलब होगा 8:56 AM पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। यही सेम क्वेश्चन में हम लोग यदि दूरी न दिया जाता तो भी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली ट्रेन के लिए टाइम लग रहा है 4 घंटा, दूसरी के लिए लग रहा है 3.5 घंटा, मतलब टाइम का रेशियो होगा 8:7, तो चाल का अनुपात आ जाएगा 7x और 8x, 7:8 का अनुपात को 7x 8x लिख लें। पहली ट्रेन 7x स्पीड से 4 घंटा चल रही है और दूसरी ट्रेन 8x स्पीड से 3.5 घंटा चल रही है, मतलब टोटल दूरी को हम लोगों ने 28x मान लिया। तो 28x दूरी तय करना है। पहली वाली ट्रेन 7x की स्पीड से 2 घंटा चल चुकी थी, मतलब 14x दूरी तय कर चुकी है, तो बाकी जो दूरी बच रहा है वो 14x, रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम हमें नहीं मालूम है, तो टाइम आ जाएगा 14/15, xx तो कट जाएगा, तो घंटा है मतलब 56 मिनट, तो हम लोग कह सकते हैं 8:56 AM में दोनों ट्रेनें मिलेंगी। एक सवाल और हम लोग इससे रिलेटेड देख सकते हैं, एक ट्रेन सुबह 5:30 AM में चलती है और शाम को 7:30 PM पर पहुंचती है, दूसरी ट्रेन 5:30 AM पे चलती है, 6:30 PM पर पहुंचती है, अगली ट्रेन 7:30 AM में चलती है यहाँ से और 6:30 PM पर पहुंचती है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, मतलब इसको लग रहा है 13 घंटा, दूरी नहीं मालूम है, और इसको लग रहा है 11 घंटा। तो टाइम का रेशियो है 13:11, मतलब चाल का रेशियो आएगा 11x और 13x, मतलब टोटल दूरी को हम लोगों ने 143x मान लिया। तो पहली वाली ट्रेन 2 घंटा पहले स्टार्ट ली है, तो 2 घंटा पहले स्टार्ट ली है 11, मतलब 11 × 22, तो 143x में से 22x घटा देंगे तो 121x, 13x + 11x × t, तो t आ जाएगा 121/24, इसका मतलब होगा 5×1/24 घंटा, मतलब 5 घंटा, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 60/24 यानी कि 5/2 मिनट, मतलब 2.5 मिनट, तो 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 7 बजे से 5 घंटा यानी कि 12:32:30 PM पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। बाकी और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, आगे कुछ सवाल और हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल, अगला सवाल ये है कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में खंभे को पार करती है, तो 650 मीटर लंबे पुल को पार कितने देर में करेगी। तो ट्रेन जब खंभे को पार करती है तो अपनी लंबाई तय के बराबर दूरी तय करती है, मतलब 240/24 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, ये है ट्रेन की चाल, मीटर पर सेकंड में ही रहने दें। जब पुल को पार करेगी तो 650 और 240 और 10 की चाल है, मतलब 89 सेकंड आ जाएगा। अगला सवाल ये है, पहले हम लोग तीसरा देखें, 450 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है कोई ट्रेन और प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर 20 मिनट रुकती है, तो कितना समय लगेगा। इस तरह के सवाल आपको बस के लिए भी मिल जाएगा और पैदल के लिए भी या घोड़ा के लिए भी मिलेगा, तो वहाँ के लिए भी आप ऐसे ही बिल्कुल करेंगे 450/75 यदि नॉन स्टॉप जाती। तो यहाँ पर दूरी जो है वो 450 है और 100 की स्पीड 100 किलोमीटर पर जाके रुकना है, मतलब 4 बार रुकेगी 20 मिनट, मतलब 6 घंटा 80 मिनट, मतलब 7 घंटा 20 मिनट हो जाएगा।
कई बार क्या होता है कि ये सपोज कीजिए 500 किलोमीटर होता तो पांचवी बार रुकने का टाइम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि चार बार में ही चौथी बार में ही पहुंच जाए, पांचवी बार में पहुंच जाएगी, तो चार बार के ही दूरी को हम लोग काउंट करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि एक दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी दिया गया है 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर है। 9 एएम में एक ट्रेन चलती है 50 किलोमीटर पर आवर से, और 11 एएम या 2 घंटे बाद 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चलती है, तो दोनों कितने बजे मिलेंगी? और कई बार तो पूछता है कि जब मिलेंगी तो ए से कितना दूर होगा और बी से कितना दूर होगा, मतलब एक मालूम हो जाए तो दूसरा तो आराम से निकाल सकते हैं। मतलब पहली ट्रेन 2 घंटा पहले स्टार्ट ली है, तो 2 घंटा में 100 किलोमीटर जाएगी, मतलब 110 बाकी बचा, 50 प्लस 60 अपोजिट डायरेक्शन में, टाइम नहीं मालूम है तो टाइम आ जाएगा हमें 1 घंटा, मतलब 11 एएम से 1 घंटा यानी कि 12 पीएम पर मिलेंगी। बी 1 घंटा चलेगी, इसका मतलब है कि 60 किलोमीटर, और 210 में से 60 घटा देंगे तो भी 150 आ जाएगा। एक सवाल और हम लोग इस तरह का देख सकते हैं कि 8 एएम में ट्रेन चलती है 40 किलोमीटर पर आवर से, 10 एएम में ट्रेन चलती है 50 किलोमीटर पर आवर से, दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगी जब बीच की दूरी 110 किलोमीटर है? तो 40 2 घंटा आगे स्टार्ट लिया है यानी 80 किलोमीटर बाकी बचेगा 30, तो 40 प्लस 50 इंटू टी, तो टी आ जाएगा हमें 1/3 घंटा का मतलब होगा 20 मिनट, 20 मिनट यानी कि 10:20 एएम पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिलेंगी। अगला सवाल हम लोग पिछले वीडियो में एक सवाल देखे थे कि कोई चोर कार चुरा कर भागता है और कार का मालिक उसका पीछा करता है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर एक सवाल है कि 9 एएम में एक ट्रेन चलती है 25 किलोमीटर पर आवर से, 2 पीएम में दूसरी ट्रेन चलती है 35 किलोमीटर पर आवर से, दोनों कितने बजे मिलेंगी और मिलेंगी तो दूरी क्या होगी? दोनों चीज़ें हम लोग देख लें। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पहली वाली ट्रेन 9 एएम से 2 पीएम यानी 5 घंटा में 25 के स्पीड से 125 किलोमीटर आगे है, 125 किलोमीटर आगे है। जब दूसरी वाली 35 से पीछा करेगी, मतलब कितना ज़्यादा है, तो घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब 12.5 घंटा लगेगा। तो 2:30 एएम पर ये ट्रेनें मिलेंगी, मतलब 2 पीएम से 12.5 घंटा। दूरी पूछा जाए तो 35 के स्पीड से 25/2 यानी 437.5 किलोमीटर। अगला सवाल है, एक बंदर 1 मिनट में 2 मीटर खंभे पर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है, तो 25 मीटर खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो ये हम लोग ध्यान से देखें तो 1 मिनट में 2 मीटर, 1 मिनट में 2 मीटर है और अगले मिनट में 1 मीटर माइनस हो रहा है, मतलब 2 मिनट में हम लोग जा रहे हैं, मतलब बंदर चढ़ रहा है 1 मीटर, तो सॉरी ये 20 मीटर के खंभे को कितने देर में पार करेगा, ऊपर चढ़ेगा, तो ये 18 मीटर तक जाने में लगेगा 36 मिनट, और अब 18 के बाद सीधे सीधे 20, क्योंकि बीच में, तो 37 मिनट में ऊपर पहुंच जाएगा, और एक बार जब ऊपर पहुंच जाएगा तो नीचे फिसलेगा नहीं। इस तरह के एक सवाल हम लोग नल टंकी में देख सकते हैं, ए टंकी को 20 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में खाली करता है, और बारी बारी से एक एक मिनट खोले जाए, मतलब 1 मिनट भर रहा है 1 मिनट खाली कर रहा है, तो 60 3 और -2 मतलब कि 2 मिनट में 1 काम होगा, तो हमें 57 तक काम करना है, क्योंकि 57 3 60 हो जाएगा, तो 57 काम करने में लगेगा 114 मिनट, तो 115 मिनट में पूरा 60 काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी क्या होगी जब हैदराबाद से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दिल्ली से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेनें एक दूसरे से 180 किलोमीटर ज़्यादा या कम दूरी तय करती है, मतलब पहले की चाल 80 है, दूसरे की 95 है, तो चाल का अंतर है 15, कितना टाइम में 180 ज़्यादा जाएगी? तो टाइम आ जाएगा 12 घंटा, मतलब जो दूरी मिलेगा वो आएगा 80 प्लस 95 गुणे 12,
175 12 से गुणा करेंगे तो बीच की दूरी 2100 किलोमीटर जो हैदराबाद और दिल्ली का होगा। एक सवाल इस समय और पूछा जा रहा है कि ट्रेन की चाल जो है वो बिना रुके हुए 65 किलोमीटर पर आवर है और रुकने के बाद 52 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन एक घंटे में कितने देर रुकेगी। यह ट्रेन में भी पूछा जाता है, बस के लिए भी है, इंसान के लिए भी। तो चाल का अनुपात क्या है, तो 5:4, तो टाइम का रेशियो होगा 4:5। 5 मतलब हमेशा जो रुक के चल रही थी उसको 60 करेंगे, तो 5 के लिए 60 है, तो कितना देर रुक रही है, मतलब 1 के लिए आ जाएगा। ट्रेन 12 मिनट रुकेगी। अगला सवाल दिया गया है, एक व्यक्ति अपने 4/5 चाल से चलकर 20 मिनट देरी से ऑफिस जाता है तो सामान्य गति से जाने में कितना समय लगेगा। मतलब चाल पहले 1 था, अब 4/5 है, यानी 5:4 होगा, तो टाइम का रेशियो आएगा 4:5। 20 मिनट देरी यानी कि सामान्यतः 80 मिनट और आज धीरे होने की वजह से 100 मिनट लगेगा। एक सवाल हम लोग और देख सकते हैं, ये सवाल हम लोगों को ट्रेन में भी पूछा जाता है और सामान्य चाल में भी पूछा जाता है कि व्यक्ति ऑफिस से जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है स्कूटर से या पैदल या बस से। तो हम लोग यहाँ ट्रेन के लिए देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो टाइम से पहुँचता है, लेकिन 35 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 15 मिनट लेट होता है, तो बीच की दूरी क्या होगी, मतलब घर से ऑफिस या दो स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल, यानी 40 × 35, चाल का अंतर 5, समय का अंतर, तो राइट टाइम और 15 मिनट लेट, यानी 15/60, तो 4 × 4 = 20 कटेगा 2 बार में, यानी कि 70 किलोमीटर हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी हम लोग देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आगे देखेंगे। थैंक यू।